कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। NNCT इज नॉट जस्ट अ नेम, इट्स अ मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ मध्य प्रदेश। जीत लो कप इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। एक बार फिर वैस विशेष के साथ, क्योंकि आज फिर वो खास मैच है जिस टीम का सभी को इंतजार था। जी आज इंडिया और बांग्लादेश के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद मानी जा रही है। हालांकि इंडिया को लेकर कहा जा रहा है कि ये मैच अगर जीत गई तो सेमीफाइनल में उसकी सीट पक्की है, लेकिन क्या मैच में रोमांच होगा, क्या कुछ होगा, इसी पर बात करेंगे। लेकिन कल का जिस तरह से मैच देखने को मिला वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच, दोनों टीमों में क्या कुछ ताकत बनकर उभर कर सामने आया और कौन कमजोरी साबित हुआ, क्योंकि जिस तरह से हर एक बॉल पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी, हर एक परिस्थिति में मैच बदलता दिखाई दे रहा था, इन बिंदुओं पर भी बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। मुजीबुद्दीन खान साहब हैं, नेशनल क्रिकेटर रहे, आपका स्वागत है। और हमारे साथ रहेंगे केजी शर्मा जी, जो भी नेशनल क्रिकेटर रहे हैं और पुलिस लाइन को जो है लीड कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, वहां पर कोच का काम करते हैं वहां पे। और सबसे पहले शुरुआत आपसे करूं शर्मा जी, क्या लगता है कल का जो मैच सामने आया था वेस्टइंडीज और श्रीलंका को लेकर, और जिस तरह से पल पल बदलती सिचुएशन सामने आई, क्या कहें इसको लेकर? देखिए, जैसे जैसे वर्ल्ड कप अपने अंतिम चरणों में पहुंच रहा है जी, हम देख रहे हैं बहुत अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिल रही है। इससे पहले हमने एक मैच देखा था बांग्लादेश और इंग्लैंड का, जिसमें बांग्लादेश ने 337 रन चेस करके वो मैच जीता था जी। और कल भी लगभग वेस्टइंडीज की टीम मैच जीतने की स्थिति में थी। एलन और पूरन की जिस समय पार्टनरशिप चल रही थी, तो वो एक विकेट वहाँ जो एलन का रनआउट होना, वहाँ से कहीं ना कहीं वहाँ से वेस्टइंडीज के हाथ से वो जीत फिसल गई जी। लेकिन इन दोनों टीमों की यदि बात करें तो वेस्टइंडीज और श्रीलंका का जो अभी वर्ल्ड कप में पोजिशन है, कुछ खास मायने नहीं रख रही है, क्योंकि दोनों लगभग मेरी राय में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हैं। बिल्कुल दोनों के पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मुकाबला हुआ, क्या कहें मुजीब जी कल के मैच में, क्योंकि जिस तरह से पुरजोर तरीके से ताकत आजमाती तो नजर आई। हालांकि खोने को दोनों के पास कुछ नहीं था, लेकिन मैच होना था, क्योंकि टूर्नामेंट की तालिका में उनका मैच को लेकर भिड़ंत जरूरी थी, तो एक फॉर्मेलिटी कहा जाए या यूँ कहा जाए खेलना जरूरी भी था। तो क्या कहें कल के मैच को लेकर, जिस तरह से जीत और हार सामने आई? कल का मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ, जो हम कल कमर जी बात भी कर रहे थे इस मैच को लेके, क्योंकि दोनों टीमें अपने को प्रूफ करना था, क्योंकि जो इनका टूर्नामेंट का सफर रहा है वो बहुत खराब रहा जी। और मैं समझता हूँ, मुझे भी यहाँ पर रोकूंगा मैं आपको, क्योंकि अभी जो अगला मैच होने वाला है उसको लेकर मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि टॉस हुआ है, इंडिया ने टॉस जीत लिया और बैटिंग करने का फैसला लिया है। एक बार फिर वो चीज सामने आ गई जिसको लेकर इस पूरे वर्ल्ड कप में कहा जा रहा है कि जो भी टीम बैटिंग को चुनती है वो जीत की राह पर चलती दिखाई देती है। फिलहाल आज जो है इंडिया का भविष्य क्या कुछ कहेगा, ये पूरे मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। जी मुझे भी कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल, देखिए हमारी बात हो रही थी कि इंग्लैंड, ये क्या नाम है आपका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के ऊपर, क्योंकि देखिए इन लोगों ने जो टूर्नामेंट में जो कुछ खोया है, अब उनको वो चीज पाने के लिए, क्योंकि उन्हें अब जो अपने कंट्री वापस जाएंगे तो कम से कम जो उनके खेल प्रेमी है, जो उनके चाहने वाले हैं, वो निराश ना हो, तो एक अच्छी क्रिकेट उन्हें पेश करनी थी, जो उन्होंने करी। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मैच हुआ, वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा चेस कर रही थी, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल वेस्ट इंडीज को लेकर कहा जाए, क्योंकि काफी अच्छी टीम मानी जाती रही है और एक उसको लेकर कहा जाता है कि कड़ी मशक्कत के साथ जब मैदान में उतरती है तो दूसरी टीमों को बीट करने में एक अलग रणनीति, एक अलग सोच के साथ तालमेल बिठाकर काम करती है। लेकिन इस बार का जो वर्ल्ड कप में देखें शर्मा जी, तो वो बात नजर नहीं आई वेस्ट इंडीज में जो होनी चाहिए थी। एक्चुअली यदि हम वेस्ट इंडीज टीम का यदि एनालिसिस करें तो वेस्ट इंडीज की टीम में टेम्परामेंट का बहुत बड़ी कमी हमने देखी है। और इस मैच में भी जो एक अच्छा टोटल इंग्लैंड वेस्ट इंडीज को दिया जी। और मैं समझता हूँ वेस्ट इंडीज, जो अभी शर्मा जी ने कहा कि मैच बना ही लिया था अगर वो रनआउट ना होते, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। बिल्कुल, और जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियन की लाइन में जो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंची गई, और आज इस मैच को लेकर जो होने वाला बांग्लादेश और इंडिया के बीच, मुझे भी क्या कहें इसको लेकर, क्योंकि इंडिया की नजरें सब पर हैं और कहा जा रहा है कि अगर ये मैच जीत गई तो सेमीफाइनल की दौड़ में उसकी दौड़ पक्की हो जाएगी, तो आज की मैच को लेकर क्या कुछ कहा जाए? बिल्कुल, इंडिया बहुत अच्छी टीम है और अच्छा कर रही है, और मैं समझता हूँ कि आज का ये मैच जीतने के बाद उन्हें सेमीफाइनल का टिकट कन्फर्म हो जाएगा जी। और टॉस इंडिया ने जीता है, और मैं समझता हूं कि बैटिंग भी वही करेंगे और बहुत अच्छा एक बिग टोटल देंगे और मैच निकालेंगे। बिल्कुल, बांग्लादेश भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई शर्मा जी, जिस तरह की उम्मीदें थी, लेकिन लगातार जो है कड़ी टक्कर देती आ रही है जो भी सामने टीम उतर रही है उसके, तो आज इंडिया को लेकर क्या कुछ कहा जाए, बांग्लादेश का कैसे तरह से परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसा कि मेरे साथी मुजीब भाई ने कहा,
मैच बहुत अच्छा होगा। खास तौर पर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो नेचुरली चूंकि हम इंडियंस हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये चीज़ रहती है कि हमारी कंट्री पहले है, बिल्कुल देश भावना भी जरूरी जी जी हाँ। लेकिन जब हम क्रिकेट की बात करते हैं और हम एनालिसिस की बात करते हैं तो हमें बांग्लादेश को भी कम करके नहीं आंकना होगा। बांग्लादेश को कम करके आंकना हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। हमें अपना 100% देना पड़ेगा, हमारी जो टीम है उसको 100% देना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना होगा चूंकि हम पहली बैटिंग कर रहे हैं तो इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उसमें 300+ चेस कर बांग्लादेश ने वो मैच जीता था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली और उनकी टीम को ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। जिस तरह से बॉलिंग परफॉर्मेंस अभी पिछले मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा। खासतौर पर जो हमारे दोनों स्पिनर्स हैं वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं कुलदीप और चहल दोनों, लेकिन जैसा कि उन्होंने पिछले मैच में 160 रन दिए थे दोनों ने, तो उसको कहीं ना कहीं उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। दोनों की फैक्टर होंगे बांग्लादेश के अगेंस्ट। और यदि बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, बैटिंग की बात कर रहे हैं, तो उनकी पूरी बैटिंग शकीब उल हसन, लेटन दास और मुशफिकर रहीम के आसपास घूम रही है। बिल्कुल, तो शकीब उल हसन और खास तौर पर मुशफिकर को रोकना हमें बहुत ज़रूरी है। यदि हमने इन दोनों को रोक लिया, और मैं समझता हूँ कि आज ये दोनों शायद है कि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, बस हमें 100% देने की जरूरत है। बिल्कुल, बॉलिंग लाइन अच्छी है, लेकिन आपने इंग्लैंड का जिक्र किया जिस तरह से मैच को लेकर, क्योंकि इंडिया का अब तक वर्ल्ड कप में देखा जाए शर्मा जी तो लगातार जीत का सिलसिला जारी था, लेकिन इस सिलसिले पर ब्रेक लगाया इंग्लैंड ने, तो क्या लगता है ये कहा जाने लगा था कि इंडिया की परफॉर्मेंस देखकर कि कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस के साथ खेल के इसलिए जो हार का सामना करना पड़ा? नहीं देखिए, हम चूंकि हम अपनी कंट्री से उतना प्यार करते हैं, हम अपनी टीम को हमेशा जीतना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में यही होता है कि वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट है, आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी टीम को केवल और केवल जीतता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन हम जब क्रिकेट का एनालिसिस करते हैं, हमारी टीम का एनालिसिस करते हैं, तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पिछले 2 साल में हमारा मिडिल ऑर्डर इसी तरह से कोलैप्स हो रहा है। हम उस दिन बहुत अच्छी पोजीशन में थे, 300+ चेस कर रहे थे, बहुत अच्छी पोजीशन में थे, मैच जीत भी सकते थे, लेकिन ओवरऑल यदि हम पिछले 2 साल का एनालिसिस करें तो हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, यदि टॉप 3 में से कोई एक यदि खड़ा नहीं हो रहा है तो हमारा मिडिल ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जैसे जो होम सीरीज हुई थी उसमें हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया ने 359 चेस किए थे, लेकिन जब इंडिया की टीम की बैटिंग आई थी तो वही 270+ का जो टारगेट इंडिया को चेस करना था वो इंडियन टीम चेस नहीं कर पाई थी। वहाँ कारण सबसे बड़ा ये था कि हमारा मिडिल ऑर्डर का फेल होना। मिडिल ऑर्डर की बात जिस तरह से हो रही है, धोनी को लेकर के बात की जाए मुजीब जी, तो उनका बल्ला वो कमाल नहीं कर पा रहा जिसकी उम्मीदें लगा के सब बैठे थे। देखिए कमर जी, अपन शुरू से ही बात कर रहे हैं जो शर्मा जी ने भी कहा कि हम नंबर 3 के बाद ट्रेवलिंग में हैं, क्योंकि हमारे पास मिडिल ऑर्डर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात जो इंजर्ड होने के बाद शिखर धवन के बाद, मैं समझता हूँ कि हम एक बड़ी परेशानी में आ गए, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छा ओपनर था जो कि हमने खो दिया जी। और उसके बाद मैं शर्मा जी के साथ हूँ, क्योंकि देखिए मिडिल ऑर्डर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, विराट कोहली और रोहित शर्मा, उसके बाद हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो उतना अच्छा जो हमें चाहिए जी वो उस तरीके से वो 2-4 साल से नहीं कर पा रहे हैं, तो टीम के लिए एक ये भी बड़ी बात है, दिक्कत वाली बात है। और रही बात पांड्या की है, तो पांड्या मैं समझता हूँ कि 2-4, 5 ओवर, 6 ओवर, 10 ओवर के लिए बड़े स्ट्रोक मारने के लिए वो बहुत अच्छे हैं, बाकी मैं समझता हूँ आगे बहुत दिक्कत वाली खेलने जाते हैं। तो 130 करोड़ हमारे देशवासी हैं जिनका प्रेशर कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स के ऊपर रहता है, और वहाँ जब हम परफॉर्मेंस, जो भी प्लेयर हमारे परफॉर्मेंस करने जाते हैं उस प्रेशर में वहाँ परफॉर्मेंस करते हैं, और जब खास तौर पर कि हमारी टीम की बैटिंग उन 2 प्लेयर्स के आसपास ही घूम रही है, तो तब ये प्रेशर और ज़्यादा उन दोनों पर बढ़ जाता है। और जहाँ तक मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल में यदि 65-70% करीबन बिटवीन 60-70% यदि विनिंग रेशो देखें हम, तो इंडिया का विनिंग तभी है जब शुरू के 3 में से विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन में से 3 ने परफॉर्मेंस किया है, तो नेचुरली उन पर प्रेशर आना लाजमी है। और उनका काम है एक अच्छी शुरुआत देना, मैच को बनाना, और फिर फिनिश करने का काम बाकी मिडिल ऑर्डर का होता है, तो वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और रोहित शर्मा और विराट कोहली नो डाउट आज भी उतनी अच्छी बैटिंग करेंगे, मुझे उम्मीद है कि इंडिया जीतेगी। बिल्कुल, जसप्रीत और शमी को लेकर क्या कुछ कहा जाए, क्योंकि काफी मैच में अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। जसप्रीत बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं बुमराह, क्योंकि मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी बॉल उन्होंने फेंका है जी इंडिया के लिए। और शमी कंटिन्यू कंसिस्टेंट होकर विकेट ले रहे हैं, 4-4-5, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज है इंडिया के लिए और बहुत फायदा होने वाला। बिल्कुल जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहा है। जिस तरह शाकिब को लेकर बांग्लादेश में बात की जाए, तो क्या लगता है आज उनका परफॉर्मेंस कुछ कमाल कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि आज शाकिब उतने सक्सेस होंगे जी, क्योंकि शाकिब को बहुत करीब से आईपीएल में इंडियन प्लेयर्स ने देखा है,
तो उनकी कमजोरियां भी, उनका जो मजबूत पक्ष है सभी से भली भांति हमारे खिलाड़ी परिचित हैं। और खासतौर पर यदि हमारे स्पिनर्स की बात करें तो हमारे स्पिनर्स उनका विकेट लेने में सक्षम है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मोहम्मद शमी ने 3 मैच में 13 विकेट लिए हैं, 2 मैच में 4-4 विकेट लिए हैं, पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे उन्होंने। तो नो डाउट उनका बॉल दोनों तरफ घूम स्विंग भी हो रहा है। और साकिब उल हसन, हमें खासतौर पर यदि किसी से अलर्ट रहना है तो वो मुशफिकर रहीम से है। मुशफिकर रहीम एक, मैं कहता हूँ उनको पॉकेट डायनामाइट टाइप के प्लेयर हैं, जो कि वहां जाकर बांग्लादेश को हमेशा चाहे कितनी टफ कंडीशंस होती हैं वो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, भवन में टूटने से बचा लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मैच था, बांग्लादेश उस मैच में भी ऑलमोस्ट जीत के करीब थी, उसमें मुशफिकर रहीम ने बड़ा अच्छा एक सेंचुरी की थी। तो हमें कहीं ना कहीं मुशफिकर रहीम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि शाकिब की परफॉर्मेंस के लेकर अगर बात की जाए तो 476 रन अभी तक वर्ल्ड कप में उन्होंने निकाले। हाँ, नो डाउट शाकिब उल हसन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर, इस समय वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। और वो ऑलराउंडर नंबर 1 क्यों है, क्योंकि उन्होंने वो परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रूव भी किया है। तो नेचुरली शाकिब उल हसन उनके की प्लेयर होंगे, लेकिन चूंकि हमारे प्लेयर्स आईपीएल में सब साथ में खेले हुए हैं और बांग्लादेश को यदि ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो 29 मैच बांग्लादेश से हमने जीते हैं, केवल 5 मैच ऐसे रहे हैं जो भारतीय टीम हारी है बांग्लादेश से। तो यदि ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो भी इंडिया के पक्ष में ही है, और भारतीय टीम यदि 100% करेगी तो नो डाउट जीतेगी। और बांग्लादेश की बॉलिंग को लेकर क्या कुछ कहा जाए मुजीब जी, क्योंकि इसकी बॉलिंग को लेकर हमेशा टारगेट करते रहे लोग और वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही बॉलर की बांग्लादेश की जिस तरह से करनी चाहिए थी। हालांकि आज का जो मैच है, क्या लगता है पिछली गलतियों से सीख लेकर अभ्यास करके आज कुछ अलग अंदाज में नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए हर हार से आपको एक नई सीख मिलती है, बिल्कुल मिलती है, और वो बहुत अच्छा करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए पिछले मैच में क्या हुआ उससे मैटर नहीं है, जो आज का मैच है मैं समझता हूँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और मैच एक बहुत कांटे का होगा, बहुत अच्छा मैच होने वाला। बिल्कुल, और इंडिया और इंग्लैंड का जिस तरह से मैच हुआ था शर्मा जी, क्योंकि उसके बाद उम्मीद यही थी कि अगर इंडिया जीतती है तो कई टीमों को उसका फायदा मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या लगता है, क्योंकि एक मैच हुआ, अभ्यास करने का टाइम कम मिला, या यूं कहें कि रेस्ट करने का टाइम भी आज इंडिया को नहीं मिला, तो उसका कितना असर मैच में देखने को मिल सकता है? नहीं, थकान तो रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब इतने बड़े लेवल पर परफॉर्मेंस करना होता है प्रेशर होता है, ट्रेवल की थकान होती है जी। और मैच की तो खैर होती है, क्योंकि जब हम एक मैच खेलते हैं तो नेचुरली हम लोग अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि एक मैच खेलना मतलब 7 दिन की प्रैक्टिस के बराबर एक मैच होता है। बिल्कुल, तो थकान तो कहीं ना कहीं होती है, लेकिन यदि इंग्लैंड और इंडिया के मैच की बात की जाए और इंडिया जो मैच वो हारी है, तो उसमें मैं समझता हूँ वो क्रिकेट है, और मेरे ख्याल से यही क्रिकेट है। क्रिकेट का एक अच्छा स्वरूप लोग जो पसंद करते हैं क्रिकेट को, इसीलिए करते हैं कि जो उस दिन अच्छा खेलता है वो जीतता है। नो डाउट उस दिन इंग्लैंड ने हर विभाग में, चाहे वो बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या बैटिंग हो, हर जगह उन्होंने इंडिया से बेहतर खेला था। बिल्कुल, मशरफ को लेकर क्या कुछ कहा जाए, क्योंकि मीडिया के हवाले से जिस तरह से खबर आई वो अपनी टीम को काफी अच्छे से समझाई देते नजर आए कि इस बार जब भारत के सामने उतरना है तो धैर्य रखकर समझकर खेलना है अपने आप को, तो क्या कहा जाए इसको लेकर, इनके इस मैसेज को किस तरह देखा जाए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब आप मैच खेलोगे 50 ओवर का मैच है, जो अभी शर्मा जी बात अभी हम कर रहे थे, 50 ओवर का मैच और 20 ओवर के मैच में बहुत फर्क होता है जी। और ये मैच बिल्कुल कांटे का मैच है, क्योंकि इस मैच अगर हारने का मतलब है बाहर होना जी। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एकजुट होकर ये खेलेंगे और उनकी बात को बिल्कुल मानेंगे जी। बिल्कुल शर्मा जी, अगर तालिका की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर जो है अंक पा चुकी है और सेमीफाइनल उसका उतरना पक्का है कि सेमीफाइनल में खेलेगी। भारत, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को लेकर बात की जाए तो इन तीनों टीमों को लेकर भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि सेमीफाइनल में जो है ये पहुँच सकती हैं। तो क्या लगता है अगला सेमीफाइनल कौन फेस करने वाला है? मेरे ख्याल से भारत और न्यूजीलैंड तो लगभग लगभग कंफर्म है जी, क्योंकि इंडियन टीम जिस हिसाब से खेल रही है, वो वैसे भी इंडिया टीम के अभी 2 मैच बाकी, एक श्रीलंका से भी मैच बचा हुआ है जी। तो जिस हिसाब से इंडिया टीम खेल रही है, इंडियन टीम नो डाउट सेमीफाइनल में खेलेगी। और रहा सवाल चौथे नंबर की सेमीफाइनल की टीम कौन हो सकती है जी, तो वहाँ इंग्लैंड की थोड़ी ज़्यादा मजबूती मुझे दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो जब वर्ल्ड कप की का जो शुरुआती दौर था वहाँ जो कमजोर पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, उसके बाद से पाकिस्तान ने वहीं अपने आप को सेमीफाइनल की ओर से लगभग बाहर सा कर लिया था। लेकिन हालांकि बाद में उन्होंने 2 अच्छे मैच जीते हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं वो सेमीफाइनल की दौड़ में थे, लेकिन क्रिकेट ऐसा ही होता है कि आखिरी में हर तरह के कयास लगाए जाते हैं, हर तरह के गणित लगाए जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो जो 4 टीमें अभी ऊपर हैं वही की वही रहने वाली हैं, उसमें मैं नहीं समझता कि कोई फेरबदल होना है। चलिए, देखने वाली बात होगी कितनी सच्चाई आपकी बातों में, क्योंकि आप भी काफ़ी बारीकी से क्रिकेट को जानते हैं, कोच भी हैं आप और खेल भी चुके हैं क्रिकेट को। मुझे भी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लूँगा आज के मैच को लेकर, क्या कहेंगे, किस तरह का मुकाबला होगा, जीत किसकी होने वाली है?
इंडिया बहुत ज़बरदस्त खेलने वाली है और जीत इंडिया की होगी और हम एक बिग टोटल बनाएंगे और मैच जीतेंगे। बिल्कुल मैच जीतेंगे, सभी की यही उम्मीदें हैं, सभी की यही जिज्ञासा है, सभी की यही आरजू है कि आज का मैच इंडिया को ही जीतना चाहिए ताकि अगले मैच में बेखौफ होकर निडर होकर टीम इंडिया खेले, क्योंकि सेमीफाइनल में पुरुष की सीट पक्की हो जाएगी। अगला मैच किसके साथ होगा सेमीफाइनल में ये तो टीम के जीतने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आज की उम्मीदें यही है और इसी बेस्ट विशेष के साथ मैं अपना कार्यक्रम खत्म करूंगा। जीत लो कप, जीत लो इंडिया। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे एनएनसीटी इज नॉट जस्ट अ नेम, इट्स अ मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ मध्य प्रदेश।